जेल प्रशासन की तरफ से कोई मदद नहीं हुआ है, जबकि ऑन ड्यूटी ये घटना हुआ है। जेल प्रशासन की तरफ से एक रुपये का भी हमें कोई भी हेल्प नहीं आया है अभी तक। ट्रेन में गोली लगी थी जिसका ऑपरेशन हुआ है, अभी बेहोशी हालत बना हुआ है, काफी अंदर जख्म हुआ था, इसलिए अनकॉन्सियस वन बुलेट। नमस्कार दोस्तों, दुनिया में कई तरह के लोग कई तरह की सोच रखते हैं। कुछ ऐसे लोग होते हैं जिन्होंने मानवता के लिए ऐसे ऐसे काम किए हैं जिसके लिए उन्हें सदियों तक याद किया जाता रहा है। हम अक्सर देखते हैं जब किसी को अपने पद या अपने कामों के कारण अतिरिक्त शक्ति या कुछ खास पद मिल जाता है तो वक्त के साथ साथ उसके व्यवहार में भी बदलाव आता चला जाता है। जैसे कि फिल्मों में छोटे मोटे रोल करने के बाद जब उस एक्टर को सफलता हासिल होती है तब अक्सर उनमें एक अकड़ आ जाती है। इसी प्रकार से राजनीति में एक आम कार्यकर्ता से एक बड़ा पद हासिल कर लेने वाला नेता, एक आम सिपाही से पुलिस के सबसे बड़े पद पर आसीन हो जाने के बाद एक अहंकार का आ जाना, ये सारी चीज़ें बहुत आम होती हैं। लेकिन इन्हीं के बीच कुछ ऐसे लोग भी हैं जो बड़े बड़े पदों पर आसीन होने के बाद भी अपनी जड़ों को नहीं भूलते और इंसानियत को कायम रखते हैं। आज हम बात करेंगे एक बहादुर सिपाही और पुलिस विभाग के एक सबसे बड़े पद पर आसीन एक डीजीपी की। घटना है 30 अप्रैल शाम 7 बजे झारखंड के धनबाद के साहिबगंज इलाके की, जहां सिपाही रजनीश चौबे जब डाक लेकर गोपनीय शाखा जा रहे थे तभी रास्ते में कुछ हमलावरों ने उन्हें रास्ते में रोककर उन पर हमला कर दिया और ताबड़तोड़ गोलियां बरसानी शुरू कर दी। इस हमले में सिपाही रजनीश चौबे को 3 गोलियां लगी, एक कंधे पर, एक पेट में और एक सर पर। जब प्रशासन को इस बात का पता चला तो उन्हें धनबाद झारखंड लाने का प्लान बनाया गया, लेकिन क्योंकि धनबाद से ज़्यादा पास भागलपुर था तो उन्हें वहां के एक अस्पताल में ले जाया गया, लेकिन सीरियस कंडीशन होने के कारण उन्हें पटना के PMCH अस्पताल लाया गया। एक सिपाही जिस पर ऑन ड्यूटी हमला हुआ हो उसे एक्स्ट्रा फैसिलिटी प्रोवाइड करने की जगह पटना के अस्पताल में जिस प्रकार से उनके साथ व्यवहार हुआ वो अशोभनीय था। वहाँ कोई डॉक्टर नर्स उनकी केयर करने वाला नहीं था। ये जाबाज सिपाही हर पल जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा था। हर गुजरता वक्त उसे मौत के करीब लेता जा रहा था। परिवारजनों की चिंता लगातार बढ़ती जा रही थी, लेकिन शायद ये उस सिपाही का जज्बा था, उसके अंदर का सेल्फ कॉन्फिडेंस था कि वो लगातार मौत को मात देने में कामयाब हो रहा था। ये एक ऐसी स्थिति बनी हुई थी जब परिवार के लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो करें तो क्या करें, किसके पास जाएं, किसके आगे गुहार लगाएं। बिहार प्रशासन और खासतौर से झारखंड प्रशासन का अमानवीय चेहरा देखने को मिला जब एक ऑन ड्यूटी सिपाही पर हमला होने के बाद भी उसके साथ इस तरह का व्यवहार हो रहा था और कोई मदद के लिए आगे भी नहीं आ रहा था। इसी बीच सोशल मीडिया के माध्यम से ये खबर पहुंचती है बिहार पुलिस के आला अधिकारी यानी DGP गुप्तेश्वर पांडे के पास। आपको बता दें कि गुप्तेश्वर पांडे पिछले काफी समय से अपने अनूठे ढंग से कार्य करने के लिए चर्चा में बने रहते हैं। लोगों के बीच मानवता की कई मिसालें वो पेश कर चुके हैं और एक उच्च पद पर होने के बावजूद हमेशा जमीनी स्तर पर कार्य करने में विश्वास रखते हैं। पिछले दिनों लॉकडाउन का सख्ताई से पालन करने का मामला हो या अनावश्यक जनता पर पुलिसिया कहर बरपाने की बात हो, उन्होंने हमेशा एक अलग स्टैंड लिया है और हमेशा कोशिश की कि बिना जनता को परेशानी में डाले इस लॉकडाउन का सही तरीके से पालन कराया जाए। प्रदेश में नशा मुक्ति कार्यक्रमों द्वारा हर गांव, हर जिले में उन्होंने एक मैसेज देकर बिहार को शराब मुक्त करने का भरसक प्रयास किया है। तो जब DGP को इस बात का पता चला कि एक झारखंड का सिपाही दयनीय हालत में बिहार के अस्पताल में जिंदगी और मौत से लड़ रहा है तो उन्होंने तुरंत उनकी सूध ली और उनके बेहतर इलाज के लिए उन्हें पारस हॉस्पिटल रेफर कराया जहां उस सिपाही का सही प्रकार से इलाज शुरू हुआ। देखिए, जिस पद पर गुप्तेश्वर पांडे कार्यरत हैं उस पद पर यदि वो अपने ऑफिस से फ़ोन कर दें कि इनके लिए ये करने का प्रबंध कर दे तो वो आराम से हो सकता है, लेकिन जैसे कि मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा था कि एक होता है कार्य करना और एक होती है इंसानियत। शायद यही इंसानियत DGP बिहार में थी
जो उन्हें औरों से अलग बनाता है। हॉस्पिटल में एडमिट कराए जाने के बाद उस वक्त वो खुद उस सिपाही से मिलने गए जब बिहार सरकार से लेकर झारखंड सरकार तक ने अपने हाथ खींच लिए थे। किसी को नहीं पड़ी थी कि एक सिपाही की जान बचती है या नहीं। शायद उनकी नज़र में एक सिपाही के जान की कीमत कुछ खास नहीं थी, लेकिन गुप्तेश्वर पांडे, जो अक्सर अपने पुलिस विभाग के लोगों की सेफ्टी का ध्यान रखने के लिए जाने जाते हैं, उनके लिए पुलिस विभाग ज़्यादा ज़रूरी था, ना कि ये कि वो बिहार पुलिस का सिपाही है या झारखंड पुलिस का। पहले दिन उन्होंने अस्पताल जाकर उस सिपाही को देखा और जब उन्हें पता चला कि अगले दिन उस सिपाही का ऑपरेशन है, तो बिना समय व्यर्थ वो दोबारा से उस सिपाही को देखने निकल पड़े। अस्पताल पहुंचकर उन्होंने सिपाही को देखा, उनके परिवारजनों से बात की और आर्थिक सहायता दिलाने का आश्वासन भी दिया, क्योंकि ये वो वक्त था जब ये परिवार अपनी सारी गाढ़ी कमाई अपने बेटे के इलाज में झोंक चुका था। ऐसे में बिहार के डीजीपी का इस प्रकार से एक सिपाही का केयर करना उन सभी लोगों के लिए एक सबक है जिन्होंने इस विपदा की घड़ी में उस सिपाही की मदद करने से इनकार कर दिया था। हाँ, झारखंड के सीएम ने एक ट्वीट जरूर किया था, लेकिन उस ट्वीट से कुछ हुआ नहीं और ना ही इस ओर कोई ध्यान दिया गया। इसके अलावा ना ही उनके ट्वीट से किसी तरह का आर्थिक सहयोग इस परिवार को अभी तक मिल सका है। निश्चित तौर पर अब डीजीपी ने इसकी जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठा ली है, तो परिवारजनों को एक संतोष मिला है, राहत की सांस ली है। नहीं सर, ब्रेन में गोली लगी थी जिसका ऑपरेशन हुआ है, अभी बेहोशी हालत बना हुआ है, क्योंकि काफी अंदर जख्म था सर, इसलिए सो ही इज अनकॉन्शियस दो और पेनफुल स्टिमुलस ही ट्राइज, देयर इज मूवमेंट ऑफ लिम्ब हैंड बट ही इज नॉट कॉन्शियस। इट इज टू अर्ली टू कमेंट। यस सर, one bullet in the brain, second was removed from the this part, the stomach part. डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे अपने इसी तरह के कामों के लिए खासा चर्चित रहते हैं। पिछले दिनों जब एक होमगार्ड को एक बड़े अधिकारी की गाड़ी रुकवाने के एवज में उठक बैठक कराया गया था, तो उस केस में भी डीजीपी ने सबसे पहले उस होमगार्ड से फोन पर बातचीत की, उन्हें सांत्वना दी और उनके साथ इंसाफ होगा ऐसा उन्होंने आश्वासन देकर अगले ही दिन उन्होंने उस अधिकारी और एक पुलिस अधिकारी पर सख्त कदम उठाते हुए एक को बर्खास्त कर दिया और अधिकारी का तबादला करा दिया गया। इतना ही नहीं, इस लॉकडाउन के दौरान जब जब उन्हें पता चला कि उनके किसी सिपाही ने कोई सराहनीय कार्य किया है, तब तब उन्होंने पर्सनली फोन करके उस सिपाही से बात की तथा उन्हें बधाई दी। आपके साथ जो भी हुआ उसका मुझे बहुत दुख है, बहुत अफसोस है, आप चिंता मत करिए, आप लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं। आप सासाराम में पोस्टेड हैं बेटा? जी सर। तो मैंने न्यूज में पढ़ा और देखा भी कि आप 11 महीने के बच्चे को गोद में लेकर के धूप में खड़ा होकर के ड्यूटी कर रही हैं। अच्छा, कोई दिक्कत होगा तो पुलिस में पहले तक अपनी बात पहुंचाइएगा तो हम तक पहुंच जाएगी। और हम बहुत, हमको गर्व है बिहार पुलिस की महिला सिपाहियों पर। मैं डीजीपी बिहार गुप्तेश्वर पांडे बोल रहा हूँ। जय हिंद सर। आप कौन, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सोनम कुमारी है सर। सब कुछ ठीक है? जी सर। बहुत बहादुरी की बात है कि इतना गर्मी में, इतनी परेशानी में आप लोग दिन रात खड़े होकर के काम कर रहे हैं और ये महिला सिपाही का इतना काम देख करके, उसकी कर्तव्यनिष्ठा देख करके पूरे बिहार पुलिस को इस बात का गर्व है। दोस्तों, दुनिया में हर किस्म के लोग होते हैं। इंसान खत्म हो जाते हैं लेकिन उसके कार्य हमेशा याद किए जाते हैं और उसके द्वारा किए गए कार्य ही ये तय करते हैं कि भविष्य में उन्हें किस प्रकार से याद किया जाएगा। हम पुलिस विभाग पर अक्सर उंगली उठाते हैं क्योंकि ये वो दरिया है जो पूरी तरह से साफ नहीं है। यहाँ अलग अलग तरह के, अलग अलग सोच के लोग कार्यरत हैं, लेकिन यदि देश को, मानवता को शर्मसार करने वाले कुछ पुलिस वाले हैं तो उन पुलिस वालों की भी कमी नहीं है जो अपने घर परिवार छोड़कर केवल देश की सेवा करने को ही अपना धर्म समझते हैं। ऐसे पुलिस वालों के लिए देश हमेशा इनका आभारी रहता है और रहेगा भी, फिर चाहे वो पुलिस विभाग के सबसे उच्च स्तर पर बैठा एक डीजीपी हो या फिर एक सिपाही। जय हिंद, वंदे मातरम। स्थिति बहुत नाजुक है, हम उसके भाई नौनित कुमार चौबे बोल रहे हैं। पीएम सीएच पटना में लेके आए हुए हैं
यहाँ की ट्रीटमेंट अच्छा नहीं है, इसलिए हम लोग प्राइवेट हॉस्पिटल में शिफ्ट करने की सोच रहे हैं, लेकिन वहाँ खर्चा काफ़ी ज़्यादा पड़ रहा है। तो हम चाहेंगे कि आप लोग सभी लोगों से, जनता से भी अपील करना चाहेंगे कि आप जितना से जितना हो सके हमें योगदान दीजिए पैसे का, ताकि हम अच्छे से ट्रीटमेंट करा सकें। ये वार्ता जो हुआ है, मेरा भाई रजनीश कुमार चौबे जो है वो कक्षपाल था और तैनात था साहेबगंज में, और ड्यूटी के दौरान ही इसको इस पर अपराधियों ने, अज्ञात अपराधियों ने गोली से हमला कर दिया, जिसके कारण ये बहुत बुरी तरह से जख्मी हो गया है और इसकी अवस्था जो है बहुत नाजुक बनी हुई है। हम अब सबसे चाहेंगे कृपया हमें मदद करें। मैं रामेश्वर चौबे, पिता रजनीश कुमार चौबे का पिताजी बोल रहा हूँ। मेरा लड़का कक्षपाल था साहेबगंज में, हमें कुछ सरकारी मदद नहीं मिल रहा है। हम मुख्यमंत्री जी से आग्रह करेंगे कि हमारा कुछ आर्थिक मदद मिले और प्रशासन से मुझे मदद दिलाई जाए, ताकि मैं मेरा अपना बच्चा को अच्छा से इलाज करा सकूँ। मैं इसका फलहा आभारी रहूँगा और सभी लोग से आग्रह करता हूँ कि मुझे कुछ आर्थिक मदद की आवश्यकता है। हम PMC पटना भर्ती हैं, रामेश्वर चौबे मेरा नाम है, मैं बेटा का नाम रजनीश कुमार चौबे, कक्षपाल मंडल करा साहेबगंज। ड्यूटी के दौरान जी यह घटना ड्यूटी के दौरान हुआ है। जेल पहले से हमें कोई सुविधा मुहैया नहीं कराया जा रहा है, आर्थिक मदद नहीं किया जा रहा है, हमको दरकिनार किया जा रहा है। हम गरीब आदमी किसान को साथ हैं, हम क्या करें क्या नहीं करें। हम पटना में हैं PMC में भर्ती, हम दूसरी जगह जाना सोच रहे हैं, पैसा है नहीं, क्या करें हम। इसलिए झारखंड सरकार से माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी से आग्रह करते हैं कि इस गरीब ब्राह्मण पर और विशेष